हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आहूजा का ऐसे चैनल फिल्टर के बारे में जो कि काफ़ी दमदार और मजबूत भी है, ठीक ना। आज इसका उपयोग के बारे में जानेंगे और कैसे चलाएंगे और इसका लास्ट में प्राइस भी जानेंगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इस छोटे भाई को सपोर्ट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका उपयोग सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत बहुत बड़े बड़े जग में जो कि बहुत सारा मशीन को सीरीज किया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। और उसमें क्या होता है कि एक ही मिक्सचर में सारा मशीन इनपुट आउटपुट लेकर एक ही मिक्सचर में आप लोग सेट कर देते हैं, सीरीज कर देते हैं, ठीक ना। वो आप लोग का गलत बात है फ्रेंड्स, क्योंकि मिक्सर का जो भी आवाज़ साउंड है वो भी आप लोग का लो हो जाता है, धीरे धीरे कम जाता है, ठीक ना। और प्रोग्राम में आप लोग को कमी आती है और क्षति पहुंचती है, ठीक ना। इसी कारण इसको चैनल फिल्टर को बनाया गया है ताकि आप लोग को प्रोग्राम में कहीं दिक्कत ना हो। बहुत सारे मशीन को सेट सीरीज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग को मिक्सर ले लेना है। मिक्सर से आप लोग को पीछे साइड भी दिखाने वाले हैं, आप लोग इसमें 8 मशीन को सीरीज करने के लिए दिया गया है, आप लोग को कहीं आवाज़ का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज इसका हम लोग फुल रिव्यू लेने वाले और प्राइस के भी बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे हैं कहाँ इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को अगर 8 मशीन को सीरीज करना है एक ही सा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसका मॉडल नंबर है आहूजा DA80, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज इसका हम लोग फुल रिव्यू लेने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग को 8 मिक्सर जैक का पिन पीछे साइड है आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक ना। ये फ्रेंड इसका बैक पैनल को भी आप लोग के सामने दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक ना। सबसे पहले बैक पैनल में आप लोग को लेफ्ट और राइट दिखा रहा होगा, ठीक ना। उसको आप लोग का वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या करना है, लेफ्ट और राइट को सीधे आप लोग को मिक्सर के लेफ्ट को राइट में सीरीज कर देना है, ठीक ना। और जितना भी मशीन है आप लोग को क्या करना है, इनपुट को आप लोग को यहाँ पर लेफ्ट और राइट में एक एक करके 8 मशीन का जो कि इनपुट होगा वो आप लोग को इसमें सीरीज कर देना है, ठीक ना। तो आप लोग का वॉल्यूम यहाँ पर लेफ्ट और राइट का हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं। सीरीज करने के लिए मतलब कि जितना भी लेफ्ट और राइट यहाँ पर जो है वो आप लोग को मिक्सर के लेफ्ट और राइट में सीरीज कर देना है, ठीक है। और जितना लेफ्ट में देखिए 4 माइक है, लेफ्ट में 4 माइक है और राइट में भी 4 आप लोग का जैक दिख रहा होगा, ठीक ना। वो आप लोग को क्या करना है, सीधे आप लोग को मशीन के इनपुट में लगा देना है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर आप लोग देखें फ्रेंड्स, आहूजा DA80, ठीक ना, जो कि 8 चैनल का ये मशीन सीरीज है, जो कि चैनल फिल्टर इसको बोलते हैं इसका नाम। और ये आप लोग को अगर लाइन से नहीं चलाना है तो आप लोग को 24 वोल्ट DC से भी चलने वाला है, ठीक ना। और एक फ्यूज़ भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, और 240 वोल्ट के लिए तो है ही, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इसका फुल रिव्यू ले चुके हैं फ्रेंड्स, कैसे चलाना है। जैसे कि जहाँ पर बहुत बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारे मशीन आप लोग देखेंगे कि सीरीज किया जा रहा है, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़रूरी है और आवश्यक होता है कि ये चैनल फिल्टर लगाने का, ठीक ना। क्योंकि वहाँ आवाज़ में क्षति पहुँचती है और ज़्यादा आवाज़ अच्छी क्वालिटी में नहीं आता है, ठीक ना, धीम धीम हो जाता है, जैसे कि जहाँ बेस मारता है तो घट जाता है आवाज़ में, ठीक ना। तो इसी कारण इसको चैनल फिल्टर को उपयोग में लाया गया है, ठीक ना। आप लोग इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है चैनल फिल्टर है, ठीक है। इसका प्राइस आप लोगों को 4000 से 4500 के अंदर मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ भी दुकान होगा सेलर के पास वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ गए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई और दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, बहुत बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।